আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে। ভারত তো ভাঙেনি, তো জোড়া আর কি আছে? কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রাকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কপিল মৌসুমী পাতিল। আর সকালে নদিয়ার নবদ্বীপে স্বরূপগঞ্জ ঘাটে গঙ্গা দর্শনে এসে কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রাকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। ভারত জোড়া যাত্রার পরিবর্তে কংগ্রেসের জোড়া যাত্রা করা উচিত বলেই তিনি মন্তব্য করলেন। একই সাথে আবাসন যোজনা নিয়ে রাজ্য সরকারের কিছু বললেও মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মৌসুমী পাতিল। 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধি বিশেষ প্রতিনিধি। अक्षर में बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखा है, आपके कैमरे के अंदर वो आया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता क्या है? अगले लोकसभा चुनाव के लेके राहुल गांधी भारत जोड़ो जाते हैं क्या बोलेंगे? देखो भैया, भारत टूटा है क्या? उनके पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करो। भारत टूटा नहीं है, भारत टूटा 1947 में, वो कांग्रेस के कारण ही टूटा है। अगर वो जोड़ने की बात राहुल गांधी करते वो बात समझ में आती थी, लेकिन ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाने का कि भारत तोड़ने की बात करते, मोदी जी तो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, भारत का सर ऊँचा करने की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा एजेंडा है पहले देश, फिर पार्टी, फिर खुद। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी देश तोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर देश टूटा ही नहीं तो जोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो आप समझ सकते हो, अभी किस लिए कर रहे हैं, राजनीति है। আজ এ পর্যন্ত, সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর, সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।